टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने मंगलवार को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर अपने नए ब्रांड लोगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही विमानन कंपनी ने पुरानी एयर इंडिया से नई एयर इंडिया में इसके पूर्ण परिवर्तन की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर एयर इंडिया अब नए लुक में दिख रही है। सोशल और वेबसाइट पर नए लोगों को लाइव किए जाने से एक दिन पहले देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों ने भी एयर इंडिया के काउंटर्स पर बदलाव का अनुभव किया, जहां उन्हें अलग अलग जगहों पर विमानन कंपनी का नया लोगो देखने को मिला। नए लोगों को अपनाने के साथ एयर इंडिया ने एक वीडियो पोस्ट किया है। एयर इंडिया के एक साहसिक, गर्म और जीवंत अध्याय में आपका स्वागत है। संभावनाओं की खिड़कियों के माध्यम से हम भारतीय विमानन के नए युग में प्रवेश का स्वागत करते हैं। वीडियो कई प्रकार की खिड़कियों को दिखाता है, जो संभावनाओं की खिड़की के रूप में उनके ब्रांड की सोच को दर्शाता है। बता दें कि अगस्त 2023 में एयर इंडिया ने एक नई ब्रांड आइडेंटिटी का अनावरण किया था। एयरलाइन ने कहा था कि नए एयरक्राफ्ट लाइब्रेरी और डिजाइन में गहरे लाल, ऑबरगीन और गोल्डन हाइलाइट्स के साथ साथ चक्र से प्रेरित पैटर्न है। इसी महीने एयर इंडिया ने अपने कैबिन और कॉकपिट क्रू के लिए मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई वर्दी की भी पहली झलक दिखाई थी। एयर इंडिया के पहले एयरबस A350 विमान के उड़ान भरने के बाद नई वर्दी अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल में लाई जाएगी। एयर इंडिया ने दावा किया कि नई वर्दी डिजाइन उसके चालक दल के प्रतिनिधियों और एयरलाइन की इन फ्लाइट सेवा टीम के साथ गहन परामर्श के बाद विकसित किए गए हैं। इन्हें व्यापक परीक्षण अभ्यास के बाद तैयार किया गया है।